टाइम पे गाली मैंने गाना सुना ही भी हुआ अच्छा। लेकिन पंजाबी गानों पे भी आप ग्रूव ठीक कर लेती हैं भाई मैं हर गाने पे सही कर देती बस गाना अच्छा होना चाहिए तो अगर बिल्कुल ही कवाली लगा दे नहीं कवालियाँ क्या बात है तो आप में से कोई डांस का शौक रखता है नहीं नहीं करवाना नहीं है वैसे ही पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ शौक़ रखते हैं आप लोग तो बस अभी उम्र है अगर आपने साल डेढ़ लेट कर दिया तो फिर कभी भी नहीं होगा उन्होंने कहा बचपन से अभी तो ये छोटे हैं सारे अभी ना सुने गाने नहीं नहीं अभी ये शुरू कर दें तो हो जाएगा आप तो सुबह दोपहर शाम तीन टाइम ना आप गाने सुन के शुरू कर दें <laughs> तो बेहतरी आएगी ठीक है ढेर सारी तालियां वेलकम बैक आ जाएं बातों को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे आज बड़े मजे मजे के सेगमेंट है लेकिन उनसे पहले मैं पूछूंगा मेहरबानों से कुछ सवाल तो मुझे ये बताएं कि जब आप बीच में सिंगिंग की तरफ भी आपका नहीं आ, भाई मेरी आवाज इतनी भयानक है इतनी अच्छी आवाज है आपदा परवीन मुझे तो आंखें बंद करूं तो लगता है आपदा परवीन बैठी है मेरे सामने काश मैं उनकी तरह गा भी सकती लेकिन गाना नहीं आता मुझे बिल्कुल मेरे शोहर बहुत अच्छा सकाते हैं लेकिन अच्छा बिल्कुल आपके शोहर कितना प्यारा वर्ड है शोहर शोहर आप उनको क्या बुलाती है शारो शाहरुख बुलाती हूँ और वो पठान टाइप फील में तो नहीं आ जाते <laughs> हम ऐसा चले बाय द वे फन फैक्ट फन फैक्ट सुन ले फन फैक्ट गर्ल फन फैक्ट ये है कि माय हस्बैंड वाज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर शाहरुख खान रियली सो हिज नेम इज शाहरुख खान एंड so खान इज नॉट हिज फैमिली नेम इज जस्ट बिकॉज़ शाहरुख खान इज खान सो ही शाहरुख खान की वालिदा या वालिद साहब शाहरुख खान के फैन थे सब शाहरुख खान के फैन है इनफैक्ट हम सब ही शाहरुख खान के बहुत फैन है हमारे घरों हमारे घर में दुआएं होती हैं शाहरुख खान की no मतलब जब उनके साथ वो कंट्रोवर्सी हो रही थी आर्यन खान वाली तब हम सारे बैठ के कुल कर रहे थे उनके लिए तो no प्रॉपर दुआएं चल रही होती थी और हम कुर्सियाँ में भी शाहरुख की बैठी है तो आप की बहुत बनेगी बिल्कुल लिटरली आर्यन का जब इशू चल रहा था आप लोग दुआएं कर हम कर रहे थे सारे बैठ के मतलब प्रॉपर इतने बड़े फैन है शाहरुख हाँ मतलब

इट कम्स विद द प्रेमिस दैट आपने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है hmm. जो भी आप इमेज बना रहे हो अल्टीमेटली इट्स योर ओन चॉइस कि आप क्या चाह रहे हो कोई Correct. आपका वो इमेज तो नहीं बना सकता जो आप नहीं चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ दैट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा क्योंकि आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएस कर रहे हो और लॉर्ड कोबलर करने डू एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग एंड द वे यूर लिविंग योर लाइफ And if you take से... responsibility of that, yeah. of that, course, और आप बहुत कुछ सीखेंगे अगला सेगमेंट है हमारा तोले बगैर बोलो जहां मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने देने उनके जल्दी जल्दी से जवाब hmm. इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इश्यू क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस एथिकल क्राइसिस वुमेन्स राइट इंटॉलरेंस

<laughs> क्या देना होगा उन्हें um, थोड़ा उर्दू में बात कर लिया करें ज़्यादा अच्छा बिल्कुल ठीक है करें 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 राणा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता अपनी पीआर और अपनी होगी क्योंकि इनको नहीं पता आप कौन है शेख होप यू नो हु शेख शेख रशीद आई थिंक you know yes, yes, um, कभी कभार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं तो जरा सा थोड़े ओपिनियंस अपने पास भी रखने होते हैं थोड़े ओपिनियंस अपनी जेब में रखें थोड़े दिल में थोड़े ज़हन में और कुछ जुबान पे मरियम नवाज मरियम नवाज आ, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं सो आई डोंट नो कि उनके बारे में क्या बुरा कहूँ नहीं बुरा नहीं मशवरा देना मशवरा देना हम्म आई थिंक उन्हें थोड़ा सा जो है आई थिंक बिफोर लाइक अबाउट जिनसे वो मुखातिब होना चाह रही है उनको uh, थोड़ा सा उनकी मसले समझने चाहिए ऑन ग्राउंड रियालिटीज पे थोड़ा फोकस बिल्कुल, करें आसिफ जरदारी आसिफ अली क्या मशुरा दू आसिफ अली जरदारी को मैं मशुरा दे दी <laughs> अब वो पब्लिक में नहीं आ रहे I really love to see him as a... आप ड्रामा में शुरू बिल्कुल। <laughs> पब्लिक में ज्यादा आएंगे। किसकी फिल्म में लीड रोल मिले तो करेंगी हमारी वाम जब तक लिबरल नहीं होगी तब तक अच्छा कंटेंट प्रमोट नहीं होगा व्हाट आई थिंक अबाउट इट इज दैट मतलब जहां तक केबल टेलीविजन की बात है वहाँ पर वर्ल्ड ओवर अगर आप केबल टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड ओवर ये होता है कि उसके ऊपर नेचुरली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि हर किस्म का इंसान वो देख रहा होता है चाहे बच्चे हों औरतें हों मर्द हों तो उस हिसाब से फिर उस पर जो कॉन्टेंट होता है वो हमेशा उसके ऊपर थोड़े वो लगते हैं क्या कहते हैं उससे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं दिखा सकते हैं बच्चों को इस्पेशली mm -hmm. तो उसके ऊपर तो आई थिंक मैं नहीं बोल सकती लेकिन हाँ ओ टी टी के ऊपर आई डेफिनेटली थिंक दैट यू नो आवाम को है थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है टर्म लिबरल ओके एक परफेक्ट लड़के में क्या खूबियाँ होनी चाहिए गुड लुक्स गुड लुक्स एंड गुड लक्स मजाक कर रही हूँ वो <laughs> उसे यही है <laughs> तालीम तरबियत और अच्छा दिल इनको फिर भी गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स ही चाहिए <laughs> वो भी जरूरी है मतलब आ, ये अल्फाज सुन के कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है ग्लैमरस ग्लैमरस um सबा कमर ओवररेटेड नो वन फ्रेंड ज़ोनड फ्रेंड ज़ोनड मैं एक हवाला दे सकती हूँ एक और चैनल पे एक जो शो चलता है उसका हाँ हाँ दे 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 ए आर पे एक शो था आ, तमाशा <laughs> आ, <laughs> जो एक रियलिटी शो है वो मैं बहुत गौर से फॉलो करती थी उसके अंदर एक आ, थे एक्टर उनका नाम है नोमान वो सिंगर भी हैं सिंगर आ, थे हैं वो बेसिकली नोमान जावेद आ, तो वो फ्रेंड जोन हुए थे तो बहुत ठीक है ऑलवेज लेट ऑलवेज लेट उसामा खान मिस्टर परफेक्टली ड्रेस्ड मिस्टर परफेक्टली ड्रेस्ड

You know, जिंदगी में मौका मिले तो किस इंटरनेशनल किस इंटरनेशनल फिक्शन इज अ डांसर ओके मैंने कभी भी रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया मैंने कभी रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया नहीं दिया, दिया. हैं? कभी के लिए दिया था बट वो वाज मोर अ स्क्रीन टेस्ट